लो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक लाठी हमेशा रहती थी। एक मरतबा अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा ये हाथ में क्या लिए रहते हो हर वक्त। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ये तो मेरी लाठी है। और फिर फ़ायदे गिनवाने शुरू किए कि मैं इससे कभी कभी टेक लगा के नींद ले लेता हूँ, झपकी मार लेता हूँ या टेक लगाता हूँ, कभी कभी कहीं किसी जानवर को मारना होता है, भगाना होता है, इससे काम ले लेता हूँ, कभी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ देता हूँ, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा इसे ज़मीन पर डाल दो। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म मान कर उस लाठी को ज़मीन पर डाल दिया। अभी तक वो लाठी क्या थी? लाठी। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म आने के बाद वो लाठी क्या बन गई? सांप बन गई। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मूसा लाठी को ज़मीन पर डालो, अब वो सांप बन गई। और नबी भी इंसान होते हैं और इंसान सांप से डरता है फितरतन, तो नबी भी डरेगा। तो डरने लगे, भागने लगे, तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं नहीं नहीं, भागो नहीं, खुद रहा उसे पकड़ो, वला तखफ़, और डरो मत, हम उसको पहली हालत में लौटा देंगे। हम तो तुम्हें कुछ सबक देना चाहते हैं और तुम्हारे ज़रिए से पूरी इंसानियत को सबक देना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने उस लाठी को जो कि सांप बन गई थी उसे फिर दोबारा लाठी बना दिया। और सबक क्या दिया? सबक ये दिया कि कुछ देर पहले वही लाठी जो नज़र आ रही थी कि फ़ायदा पहुंचाती है, वही लाठी अल्लाह का हुक्म आने के बाद क्या बन गई? सांप बन गई, और नफ़ा के बजाय नुकसान पहुंचाने वाली बन गई। पता चला कि कोई भी नफ़ा वाली चीज़ ख़ुद अपने अंदर नफ़ा नहीं रखती, और कोई भी नुकसान वाली चीज़ ख़ुद अपने अंदर नुकसान नहीं रखती, बल्कि अल्लाह के हुक्म से वो नाफ़े बनती है और अल्लाह के हुक्म से वो मुज़िर बनती है। वही लाठी थी जो सांप बनी थी। तो अल्लाह ताला ही नफ़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है ये बात भी समझना आसान हो जाएगा, ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। और हम जब दुनिया में चलते फिरते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो हमारा एक मिजाज बन जाता है कि चीज़ों से ही होता है, चीज़ों से ही होता है, काम करने से ही पैसे मिलेंगे, काम करने से ही मालदारी हासिल होगी। हम ये सोचते हैं ना, पैसा आएगा तो फिर काम पूरे होंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों के पास पैसे होते हैं, काम पूरे नहीं होते।